बिल्कुल हमारी इंडिया की नींव रही है, यहाँ से लोग पढ़ते थे ब्रह्मचर्य की शिक्षा, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। ये श्री श्री गौरी राधा कृष्ण भगवान, ये कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना सुंदर है ना। और पूज्य गुरु जी श्री प्रभुपाद गौशाला के अंदर कितनी प्यारी प्यारी गायें हैं। यहाँ पर गुरु जी गुरुकुल के छात्रों के साथ गायों को फल खिला रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमित, मैं निशी, और हम दोनों आज कहाँ आए हैं? इस्कॉन टेम्पल। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर हमारी सफर शुरू हो चुकी है और आज हमें उधमपुर में और जा रहे हैं यहाँ का इस्कॉन टेम्पल। मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ में है और सुहावना मौसम भी। तो फाइनली आज भगवान की पूजा करते हैं और आपको इस्कॉन टेम्पल दिखाते हैं। तो ये जो है धार रोड में स्थित है और यहाँ पे ही स्थित है। अभी मैं आपको ये जो गली दिख रही है यहाँ पे देखिए इस्कॉन का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से हम मुश्किल से 300-400 मीटर दूरी पे है और अभी हम अंदर चलते हैं, हरे कृष्ण राधे के आपको दर्शन कराते हैं। वीडियो बने रहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमित, मैं निशी, और हम दोनों आज कहाँ आए हैं? इस्कॉन टेम्पल उधमपुर। और हम अभी चलेंगे, आज एकादशी है, भगवान के दर्शन आपको कराते हैं। यहाँ पे गुरुकुल भी है, काफी अच्छा मंदिर है, और अंदर चलते हैं और आपको अंदर की सुंदरता दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। कितना प्यारा और भव्य मंदिर है। इस इस्कॉन टेम्पल में गुरुकुल भी है। मंदिर के बाएं साइड में यह जो बिल्डिंग दिख रही है ये गुरुकुल है और दाएं साइड में मंदिर है। और इस इस्कॉन टेम्पल में गौशाला और लाइब्रेरी भी है। यह इस्कॉन टेम्पल वाकई में अद्भुत है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ये सब गुरुकुल के छात्र हैं। गुरुकुल हमारी इंडिया की नींव रही है, यहाँ से लोग पढ़ते थे ब्रह्मचर्य की शिक्षा, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। और ये सारे गुरुकुल के छात्र हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत बड़े एरिया में यह मंदिर बना है। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे और हरे कृष्ण और राधे जी के दर्शन कराएंगे आपको। नरसिंह भगवान की भी यहाँ पे मूर्ति है और राम लक्ष्मण सीता, साथ में प्रभुपाद जी भी हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। वाओ, कितना सुंदर है। और आज एकादशी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सारे लोग बैठ के हरे कृष्णा हरे रामा का जाप कर रहे हैं। अंदर कितनी शांति, कितनी अच्छाई का अनुभव हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर वातावरण। और ये देखिए यहाँ पे पूजा करने के बाद प्रसाद लेते हैं और हनुमान जी की बहुत ही प्यारी मूर्ति बनी हुई है। और इसी के बगल में जो है गरुड़ जी की भी मूर्ति है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोनों एकदम दोनों द्वार की तरफ लगाए गए हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है और यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं, जो कि इस्कॉन की रीत है। मतलब बहुत ही सुंदर। ये भगवान के नरसिंह अवतार की देखिए यहाँ पे मंदिर है और इनकी नरसिंह लीला काफ़ी अच्छी था, जो कि आधा मनुष्य और आधा शेर का। और उसके बाद ये रहे जी प्यारे हरे कृष्ण जी, राधा के साथ इनकी प्रतिमा है। आज एकादशी भी है, श्री श्री गौरी राधा कृष्ण भगवान। ये देखिए वाव, कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना सुंदर है ना। और इसी के आगे चलते हैं, देखिए इस्कॉन के संस्थापक और पूज्य गुरु जी श्री प्रभुपाद जी, इन्होंने ही इस्कॉन और को खड़ा किया, एक तरह से नींव भी नहीं किया है। और उसके बाद ये देखिए जी राम लक्ष्मण जानकी की कितनी प्यारी मंदिर है। तो फाइनली बहुत ही औसम है, बहुत ही अच्छा लगा इस मंदिर में। सारे लोग झूमते गाते और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और इस्कॉन का बीज मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो फाइनली मेरी पत्नी ने भी यहाँ पे बैठा और ध्यान किया, थोड़ा मेडिटेशन किया और भगवान का नाम लिया। और अभी हम बाहर आ गए हैं पूजा करने के बाद और
अभी हम यहाँ पे आपको गुरुकुल ले चलेंगे, यहाँ के थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिखाएंगे। ये देखिए गुरुकुल है, और यहाँ के हम आपको गौशाला ले चलेंगे, और इसमें ये देखिए यहाँ पे आपको मैं हॉल दिखाता हूँ नीचे। यहाँ पे जो है लोग भजन मंडली या फिर कोई कार्यक्रम या फिर बच्चों को कुछ बताना इसी हॉल में होता है, और इसी के ऊपर में मंदिर बना है। और ये देखिए अभी लाइब्रेरी शायद बंद है, लेकिन यहाँ पे इनकी लाइब्रेरी रहती है। और अभी हम चल रहे हैं यहाँ की गौशाला के अंदर, यहाँ की गायों को दिखाते हैं। ये जो गौशाला है मंदिर के दाएं तरफ है। गौशाला के अंदर कितनी प्यारी प्यारी गायें हैं, और यहाँ पर गुरु जी गुरुकुल के छात्रों के साथ गायों को फल खिला रहे हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे भगवान के दर्शन किए हैं, गुरुकुल के छात्रों से मिले हैं, और गौशाला भी देखे। यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा, कितनी हरियाली, कितनी शांति है, और कितना आनंद का अनुभव होता है। तो वाकई में मुझे तो अच्छा लगा यहाँ के। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में हरे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह अगले ब्लॉग में।